हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने जब डिस्कस किया, तो हमारे पास तीन टाइप के ऑस्मोटिक प्रेशर थे। ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइप में टाइप से तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें मिले थे, हमने उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट होता है। जब भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल या तो इंक्रीज़ करेंगे या तो डिक्रीज़ करेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। तो या तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ सकता है, मॉलिक्यूलर वेट घट सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कैसे किसी सॉल्यूट का जो मोलर मास है, जो हम कैलकुलेट करके रखते हैं, उससे अलग आ जाता है अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो। क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, क्यों है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, पहले हमने नॉर्मल कंडीशन में उसको कैलकुलेट किया, कुछ आ गया, मतलब 50 आ गया मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या है कि हमने उसको सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया, उसके बाद हम उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू चेक कर रहे हैं। अब सॉल्यूट जो है हमारा वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया। अब जो वैल्यू होगी वो 50 नहीं आएगी, हो सकता है बढ़ जाए, 60 आ जाए, हो सकता है घट जाए, 40 आ जाए। तो एबनॉर्मल मोलर मास को समझते हैं। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो। फॉर अ सॉल्यूशन अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो सॉल्यूशन एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, एक साथ कंबाइन होना या टूटना, एसोसिएशन मतलब कंबाइन होना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, इन द सॉल्यूशन द मॉलिकुलर मास डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मॉलिकुलर मास हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल कर रखते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो अलग आने लगती है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है और मॉलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपका एसोसिएट डिसोसिएट होने के बाद चेंज हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा तो आपका मोलर मास जो है बढ़ जाएगा। तो कई सारे मॉलिक्यूल आके एक में कंबाइन कर जाएंगे, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। तो यहां पर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा, मोलर मास टूट जाएगा। पहले कंबाइन था, एग्रीगेट था, उसका मास ज्यादा था, टूटा तो मास कम हो गया। तो एसोसिएशन में मोलर मास इंक्रीज होता है, डिसोसिएशन में मोलर मास इंक्रीज होता है। अब कितने फैक्टर से इंक्रीज होना चाहिए, अगर हमारा कंपाउंड हमारा सॉल्यूट टूट रहा है तो किस फैक्टर से उसका मास इंक्रीज होगा या किस फैक्टर से उसका मास डिक्रीज होगा, इसको अगर हमें समझना हो, तो कितने फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक फैक्टर है, उसे बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से हम ये जान सकते हैं कि क्या कितने एक्सटेंट तक एसोसिएशन हुआ है, कितने एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हुआ है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितना चेंज आने वाला। तो दिस एबनॉर्मलिटी इज एक्सप्लेन बाई वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तो एक्सपेरिमेंट करके आप लाएंगे और एक कैलकुलेट करके लाएंगे, तो जो एक्सपेरिमेंट करके लाएंगे, कैलकुलेट करके लाएंगे, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, आपको वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर से मिलता क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। कितने एक्सटेंट तक, कितना ज़्यादा टूट चुका है या कितना कम टूट चुका है, ये हमें पता चल जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर को आई सिंबल से दिखाते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल स्मॉल आई। वेंट ऑफ फैक्टर के तीन फॉर्मूले हैं। जैसे पहला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। जो आपके पास नॉर्मल मोलर मास होगा, आप उससे लिख लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एबनॉर्मल मोलर मास टूटने और उसके बाद वाला का। ये नॉर्मल कंडीशन है, जब हमारा मॉलिक्यूल एसोसिएशन डिसोसिएशन में नहीं गया है तब का मोलर मास है। एबनॉर्मल मोलर मास वो मोलर मास है जब मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट हो चुका है तब का निकलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। पार्टिकल जब टूट गया उसके बाद कितना है वो गिन लेंगे, और टूटने से पहले कितना था वो गिन लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तीसरा क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा करके। सेकेंड वाले को अगर हम देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट बिफोर एंड आफ्टर, अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास NaCl एक मॉलिक्यूल है। जब ये NaCl सॉल्यूशन में जाके टूटता है तो ये बन जाता है Na प्लस और Cl माइनस, ये कुछ इस तरह का बन जाता है, आयनिक सॉल्यूशन है। I की वैल्यू अगर हमें निकालनी है
तो पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन टूटा है, टूटने के बाद कितने पार्टिकल बने? एक पार्टिकल इसका बना, एक पार्टिकल इसका बना, पार्टिकल कितना बना? दो बना। टूटने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था? तो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो एक कंपाउंड था पूरा, ये तो आयनिक कंपाउंड था, ये तो पूरा वन है, तो ये टू अपॉन वन, मतलब आई की वैल्यू दो हो गई। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन दुगना हो चुका है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन दुगना हो चुका है। दुगना होने का मतलब है कि आई की वैल्यू डबल आ रही है। पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल था, अब आपके सॉल्यूशन में डबल मॉलिक्यूल होगा। अगर आप 100 मॉलिक्यूल NaCl का सॉल्यूशन में घोलें तो आपके पास 200 मॉलिक्यूल दिखाई देगा, 200 सॉल्यूट का पार्टिकल दिखाएगा, डबल हो चुका है इसका एक्सटेंट। तो फॉर अ सॉल्यूट विच अंडरगोइंग डिसोसिएशन, द सॉल्यूट शोइंग डिसोसिएशन, जो सॉल्यूट डिसोसिएशन में जा रहा है, जो भी सॉल्यूट अगर डिसोसिएशन में जा रहा है, तो ये जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ज़्यादा आएगा तो न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आई की वैल्यू अपने आप बढ़ी आएगी। तो आई की वैल्यू हमेशा बढ़ी आएगी। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है आयरन, ये फेरिक क्लोराइड है, आयरन का 3+ चार्ज है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड अगर टूटेगा तो आयरन का एक पार्टिकल मिलेगा और क्लोरीन के तीन मिलेंगे, तो क्लोरीन के तीन आयन मिलेंगे हमें और आयरन का एक मिलेगा। तो तीन पार्टिकल इसके, एक पार्टिकल इसका, आई की वैल्यू बदलता है कि बाद में आपके पास कितने पार्टिकल मिले। तो बाद में हमको मिले चार पार्टिकल, पहले कितने पार्टिकल थे? पहले एक पार्टिकल था, तो आई का वैल्यू चार हो गया। इसमें एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन चार गुना है, आई की वैल्यू चार है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जो MX टाइप का सॉल्ट होगा, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो M और X टूटेगा तो ये एक कंपाउंड है, टूटेगा तो दो मिलेगा, ये NaCl टाइप है, यही है MX टाइप हमारा। तो टूटने के बाद कितने पार्टिकल बने हैं? दो पार्टिकल, टूटने से पहले एक थे, तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डबल हो गया। अगर MX2 टाइप हुआ तो दो तो X के पार्टिकल मिलेंगे, एक M का पार्टिकल मिलेगा, तो दो X का एक M का, दो X का एक M का, तीन पार्टिकल मिला। तो पहले मिला तीन पार्टिकल, पहले एक था, इसका एक्सटेंट हो गया तीन गुना। अगर M2X3 टाइप है, जैसे इसके एग्जांपल होते हैं Al2SO4 ट्वाइस, इस तरीके नहीं थ्राइस, इस तरह के अगर कोई सॉल्ट है हमारे पास, तो दो M के पार्टिकल है, तीन X के हैं, तो टोटल पांच मिलेंगे, तो I की वैल्यू हो जाएगी पांच, और पहले कितने थे? वन, तो एक्सटेंट हो जाएगा I का पांच, पांच गुना जो है चेंज होगा। अगर हम बाद में देखें इसको ध्यान से, फॉर अ सॉल्यूट शोइंग एसोसिएशन, जो सॉल्यूट अब एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट का मतलब होता है आके आपस में कंबाइन हो जाए। मान के चलो हमारे पास ए ए के दो पार्टिकल थे, दोनों कंबाइन होकर डाइमर बना दिए, ए टू बन गया। अब यहाँ देखो आई का कंटेंट कितना होगा, अभी टूटने के बाद पार्टिकल कितना दिख रहा है? ये तो एक पार्टिकल बन चुका है, एक। टूटने से पहले पार्टिकल कितने थे? दो थे, दो हमने ए के पार्टिकल लिए थे, तो टू, तो ये तो 1/2 आ गया, ये इसका आई की वैल्यू घट रही है। अब यहाँ पर टूटने से पहले पार्टिकल एक है, टूटने के बाद तीन हो गए, तो ये 1/3 हो गया, फ्रैक्शनल चेंज में चला जाएगा ये पार्ट, ये डिसोसिएशन के एसोसिएशन के केस में वैल्यू हमारी जो है वन से कम आने लगती है, वन से कम आएगी। जैसे इसकी वैल्यू जो है हमारे पास, ये तो 0.5 हो गया, ये 0.33 हो गया, वैल्यू जो है हमारे पास कम आने लगेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बेंजोइक एसिड है हमारे पास C6H5, ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजोइक एसिड है, दो बेंजोइक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये हाइड्रोजन में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये दो अलग अलग पार्टिकल थे, पहले दो अलग अलग पार्टिकल थे, तो टूटने जुड़ने से पहले इनकी संख्या थी दो, कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर एक बना लिए। तो हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं कि कितने हमारे पास पार्टिकल टूटने के बाद मिले, तो जुड़ने के बाद तो एक मिला, तो ऊपर एक लिखेंगे और नीचे दो लिखेंगे, जुड़ने से पहले। तो आई की वैल्यू ग्रेटर होती है डिसोसिएशन के केस में, स्मॉलर होती है एसोसिएशन के केस में। इसको अगर आप याद करना चाहो तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो कि कब आई की वैल्यू बढ़ेगी, कब आई की वैल्यू घटेगी। DIG आप याद कर सकते हैं, डिसोसिएशन के केस में DIG, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है, या आप जिद याद कर सकते हो, ग्रेटर आई में डिसोसिएशन होगा, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी तो डिसोसिएशन होगा, आई की वैल्यू घटेगी तो एसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके कैलकुलेशंस को देखना है, हम इसे कैसे अपना करके वेंट ऑफ फैक्टर को हम जो है अपना ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने जब यहाँ तक देखा कि जैसे ही बेंजोइक एसिड ने अपना डाइमर बनाया था,
इसके नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई, उसकी आई की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आने लगी थी। तो डाइमर ट्राइमर टेट्रामर अगर बनेगा तो एसोसिएशन होगा जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है स्मॉल आने लगेगी, और अगर डिसोसिएशन होता है तो आपकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब हमें इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, कितना मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर हमारा पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी कितनी डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज करो हमारे पास एक सॉल्ट है ए बी, ए बी सॉल्ट टूट करके ए और बी में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस और बी माइनस में। ये एक मॉलिक्यूल था, ये टूट करके ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं इनिशियल, जब ये पार्टिकल टूटा नहीं था, जब ये पार्टिकल टूटा नहीं था तो सॉल्यूशन के पहले हमारे पास कितने पार्टिकल थे, वन, और सॉल्यूशन के अंदर टूटने वाले पार्टिकल क्या थे, टूटा ही नहीं था मॉलिक्यूल। इनिशियल कंडीशन वो होती है जब हमने कोई रिएक्शन नहीं कराया, हमारा सॉल्यूट जो है वो टूटा नहीं। फाइनल कंडीशन ये है कि हमारा पार्टिकल टूट चुका है, लेकिन पार्टिकल कितना टूटा है। मान लो तुमने एक सॉल्यूशन में 100 पार्टिकल डाले हैं, 100 सॉल्ट के मॉलिक्यूल डाले, लेकिन हो सकता है 90 ही केवल टूटे हों, बाकी नहीं टूटे हों। तो अगर जितने टूटेंगे उतने ही तुमको यहाँ पर मिलेंगे। अगर ये मेरे पास पूरा एक अमाउंट है, मुझे देखना है कि इसका प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, तो जितना इसमें से घटेगा, जितना पार्टिकल इसमें से घटता जाएगा उतना ही पार्टिकल यहाँ बढ़ता चला जाएगा। इसमें से जितना पार्टिकल घटता जाएगा उतना ही पार्टिकल यहाँ से बनता जाएगा, जितना रिएक्टेंट छोड़ेगा उतना ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल क्वांटिटी में से कितना कम हुआ वही हमारा प्रोडक्ट है, वही हमारा प्रोडक्ट है। ओरिजिनल क्वांटिटी अगर हमारे पास 1 थी, टूटा अगर अल्फा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा अल्फा। जो क्वांटिटी हमारे ओरिजिनल में से माइनस होगी वही तो वहाँ प्रोडक्ट में बनेगी। इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर मेरे पास पहले पूरा मेरा कंपाउंड 1 था, 1 में से अगर मेरे पास अल्फा अमाउंट टूटा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा अल्फा, और अल्फा बनेगा। तो इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं मेरे पास, 1 माइनस अल्फा, ये भी उसी सॉल्यूशन में रहेगा, प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा से ये अल्फा कट जाए, ये आ गया वैल्यू 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा बचा है ये 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले हमारे पास कितना पार्टिकल था, तो पार्टिकल था 1। अगर हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट करें, वेंट ऑफ फैक्टर को, तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है आफ्टर डिसोसिएशन कितना हमारे पास पार्टिकल था अपॉन बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास कितना पार्टिकल था। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास पार्टिकल कितना बचा है, 1 प्लस अल्फा, बिफोर डिसोसिएशन पार्टिकल कितना बचा है, 1। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में अगर चेक करें, ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में चेक करते हैं तो देखते हैं हमें वहाँ पे क्या कैलकुलेशन मिल सकता है, हमें वहाँ पर क्या कैलकुलेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर हम इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाहें कि हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं आई की वैल्यू जो है वो 1 प्लस अल्फा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आई माइनस 1। आई में से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो ये अल्फा आ जाएगा, ये हो गया कंडीशन हमारा। अगर हम इसको फॉर अ जनरल देखें, जनरली हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए, ए टूट गया है कई सारे ए के मॉलिक्यूल्स में, एन टाइम ए मॉलिक्यूल इसके टूट गए, ए था पहले बड़ा, टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए। इसका इनिशियल कंडीशन क्या है, ये 1 था तो ये 0 है। इसकी फाइनल कंडीशन क्या है, ये 1 में से अल्फा माइनस हुआ तो यहाँ पे एन अल्फा के पार्टिकल बनेंगे,
एन टाइम अल्फा पार्टिकल, हमारे पास एन टाइम ए का पार्टिकल बना है, तो यहाँ पर एन टाइम अल्फा पार्टिकल जितना प्रोडक्ट, जितना यहाँ से टूटता है वो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ से अल्फा टूटा तो यहाँ पे एन टाइम अल्फा, यहाँ वन था तो ये एन टाइम ए था, ये वन में से अल्फा मैंने सोचा तो एन टाइम अल्फा आ जाएगा। तो अब हम इसका देखें नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ हम देख चेक करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, वन माइनस अल्फा ये वाला पार्टिकल प्लस ये वाला पार्टिकल एन अल्फा, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वन और यहाँ से हम माइनस अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस एन के बराबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना था हमारे पास, वन था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास वन आ गया। हमें बेंटो फैक्टर निकालना है, आई, आई की वैल्यू होती है आफ्टर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल हमारे पास टूटने के बाद थे और टूटने के पहले हैं। आई की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो टूटने के बाद कितना आया था हमारे पास, वन माइनस अल्फा वन प्लस एन, यहाँ से हमने माइनस अल्फा को कॉमन ले लिया था, माइनस अल्फा को कॉमन लिया था, माइनस अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस एन आएगा। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन पार्टिकल कितने थे, वन था, तो आई की वैल्यू आ चुकी है वन माइनस अल्फा वन माइनस एन, ब्रैकेट को हमें अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू में ये वाला ये पूरा ये टर्म नेगेटिव है, इसको अगर इस पार ले आते हैं तो पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा वन माइनस एन इज इक्वल टू वन माइनस आई हो जाएगा, ये आई यहाँ पॉजिटिव है इधर आके माइनस में हो जाएगा। अल्फा निकालना है हमें तो अब ये मल्टीप्लाई है इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस आई वन अपॉन एन इज इक्वल टू अल्फा। अगर हमें डायरेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें इसी का अपोजिट टॉपिक है डिसोसिएशन का। तो ये हमारे पास है कि हमारा अल्फा कितना है, कितना हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो पता चल जाएगा, ये अधिकतर परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, सेम इसी तरह से हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम अल्फा का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे एसोसिएशन के केस में, तो हम एसोसिएशन के केस के लिए काम करते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन से हमें क्या मिल सकता है। अगर इसको हम स्टार्ट करें तो हम ये देख सकते हैं हमारे पास अगर कुछ एन ए टाइप के पार्टिकल्स हैं, एन ए टाइप के पार्टिकल्स हमारा जब एसोसिएट होगा तो वो कुछ ऐसा बन जाए, जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं ए के कंबाइन होगा तो ए टू बना, तो यहाँ का टू इसके नीचे चला जाता है, वैसे ही हमने ये लिखा है इसमें एन मल्टीप्लाई था, ये था पार्टिकल की संख्या अब घट रही है, पार्टिकल की संख्या अब घट रही है। इनिशियल में क्या रहा होगा, इनिशियल जब इसकी वैल्यू वन रही होगी तो इसकी वैल्यू ज़ीरो रही होगी, फाइनल जब ये वाली वैल्यू वन माइनस अल्फा हुई होगी तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये अल्फा अपॉन एन बनी होगी, इस बार अपॉन का फैक्टर में इसका चेंज आएगा, पहले ये दो था तो ये एक आ गया, ये वन होता तो ये हाफ आता, ये इसी तरह ये फैक्टर में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल
आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये हमारे पास है। यहाँ से 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन एन ये आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन की बात करें तो इस इक्वेशन में डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 1 था, एसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, 1 था। हमें वैल्यू निकालनी है आई की। आई क्या कहता है कि मैं जो हूँ आफ्टर एसोसिएशन, अपॉन बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन एन और नीचे 1। अगर यहाँ से मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हुई तो मैं लिखूँगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन बाई 1। तो ये वैल्यू आ गई, नीचे 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है। पूरा अल्फा के साथ ये ब्रैकेट नेगेटिव में है, इधर ले आते हैं, 1 से आई को माइनस कर देंगे और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट को हम नीचे अगर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस अल्फा अपॉन एन। ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा कॉमन किया गया है, यहाँ पर 1 आएगा, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन आएगा, यहाँ अल्फा नहीं, यहाँ 1 अपॉन एन आएगा। तो ये हमारे पास हो गया एसोसिएशन के केस का। तो हम अगर देखें तो एक बार हमारा डिसोसिएशन होगा कोई पार्टिकल, अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा है तो जनरल फॉर्मूले में क्या है, डिसोसिएशन हुआ तो अल्फा की वैल्यू आई 1 माइनस एन, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, एसोसिएशन हुआ तो अल्फा दिखाई दे रहा है 1 माइनस आई, 1 माइनस 1 अपॉन एन। कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा देखने को, आई की वैल्यू पहले लिख दी जाती है, पूरे इक्वेशन में से ऊपर से माइनस अगर कॉमन कर लोगे तो आई पहले आ जाएगा, तो ये आई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, नीचे से भी अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम इक्वेशन होता है, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आई माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से लेंगे तो ये 1 अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इक्वेशन मिल सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, आई की वैल्यू लेस देन आ रही है, आई की वैल्यू 1 आ रही है, आई की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 1 आती है ये केस होता है हमारे पास डिसोसिएशन का, पार्टिकल जो है बढ़ गए हैं, ये डिसोसिएशन का केस है। आई की वैल्यू लेस देन 1 एसोसिएशन का केस है, और आई की वैल्यू अगर 1 है तो नाइदर एसोसिएट नाइदर डिसोसिएट हुआ है, नाइदर एसोसिएट एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो ये पार्टिकल एसोसिएट हुआ है और ना तो ये पार्टिकल डिसोसिएट हुआ है, इसमें इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सॉल्यूट जो था आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन के अंदर गया नहीं। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें जहाँ पे हमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन, किस डिग्री तक, कितने परसेंटेज तक पार्टिकल हमारा एसोसिएट हुआ है, कितना परसेंट तक, अरे कितना परसेंट ऑफ पार्टिकल हमारा एसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं। और ये हमने कैलकुलेट किया है, कभी कभी आपको अलग अलग टेक्स्ट में ये भी देखने को मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू आगे क्यों आती, ऊपर से माइनस करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे से माइनस को साइन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस माइनस ऊपर नीचे का कट जाएगा, तो ये भी स्टैंडर्ड है, दोनों वही इक्वेशन, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आती, आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि बंद कर दी, ये यहाँ से जब अल्फा कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर अभी चेंज किया था वैसे यहाँ पर अल्फा कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, उसको नोट कर लीजिए।